नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का इस वक्त पूरा जोर कोरोना से लड़ाई लड़ने पर है। लेकिन इन सब संघर्ष के बीच कश्मीर घाटी और सरहद पर भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसका भरपूर फायदा इस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान उठा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों का फिलहाल क्या तुक है। तो दरअसल बात ऐसी है कि सोशल मीडिया पर शाहरुख और गौरी खान के साथ टोनी अशाई की एक तस्वीर सामने आई है, जो कि अक्सर कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। सोशल मीडिया पर शाहरुख के अलावा कई और सितारों के साथ टोनी की तस्वीरें सामने आई है, जिसे देख शाहरुख के फैंस उन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वाले शख्स टोनी अशाई के साथ बॉलीवुड सितारों का क्या कनेक्शन है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि टोनी अशाई के साथ शाहरुख और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते हैं। दरअसल खुद को कश्मीरी बताने वाले टोनी अशाई अमेरिका के जाने माने आर्किटेक्ट, जिन पर कश्मीर के युवाओं को भड़काने का आरोप लगता रहा है। बताया जाता है कि शाहरुख खान ने दुबई में अपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसकी डिजाइनिंग टोनी अशाई ने ही की थी, जबकि उसकी इंटरनल डिजाइनिंग गौरी खान ने की थी। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का जब दुबई में ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, तो उस इवेंट में टोनी अशाई को भी देखा गया, जिसने कई बॉलीवुड सितारों के साथ तस्वीरें खिंचाई थी। भारत विरोधी एक्टिविटीज का जिन पर आरोप लगता आ रहा है, उनके साथ बॉलीवुड सितारों के संबंध का खुलासा होता है, तो जाहिर तौर पर इन सितारों के चाहने वालों के मन में एक नहीं कई सवाल उठते होंगे, जिसका जवाब उन्हीं के फैंस इस वक्त उनसे सुनना चाहते हैं। हालांकि शाहरुख या गौरी की ओर से इस मामले पर कोई प्रक्रिया नहीं आई है। बहरहाल शाहरुख के वर्क फ्रंट की अगर बात कर लें, तो साल 2018 में आई फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए। कहा जा रहा था कि वो राजकुमार हिरानी की फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि उससे पहले शाहरुख सिद्धार्थ आनंद की धमाकेदार एक्शन फिल्म में नजर आ सकते हैं।